वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेंशन लिस्ट कैसे आप चेक कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आप चाहे किसी भी स्टेट से हो, अगर आप विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन या फिर वृद्धा पेंशन या फिर आप किसी जॉब से रिटायरमेंट कर चुके हो तो उसका पेंशन लिस्ट को आप चेक करना चाहते हो तो आज के इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। आप इस पेंशन लिस्ट को कैसे बिल्कुल आसानी से ऑनलाइन तौर पर ही चेक कर सकते हो, चाहे आप अपने मोबाइल का यूज करो या फिर अपने डेस्कटॉप का। तो चलिए दोस्तों, देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं। आप इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा ताकि आज के इस टॉपिक से जुड़ी इन्फॉर्मेशन आप तक बिल्कुल अच्छे से पहुंच सके। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इंडियन राइस टेक चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर ले ताकि इसी प्रकार के इंफॉर्मेशनल वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। सो दोस्तों, इस वर्क को आप अपने मोबाइल या फिर अपने डेस्कटॉप किसी के भी मदद से कर सकते हो। सिंपली आपको किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है, तो मैं यहाँ क्रोम ब्राउजर का यूज कर रहा हूँ। किसी भी ब्राउजर को ओपन करोगे, देन उसके सर्च ब्राउजर में सर्च करोगे NSAP, जिसके बाद इंटर करोगे तो आपको पेज कुछ इस प्रकार का ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम NSAP। सिंपली इसी वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, जहाँ पर क्लिक करने के बाद डायरेक्टली आप इस वेबसाइट पर आ जाओगे। यहाँ पर आने के बाद आपको इंटरफेस कुछ इस प्रकार का देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि नेशनल प्रोग्राम पेंशन या फिर बेनिफिट्स के बारे में, कितने लोगों को बेनिफिट मिल रहा है, कितने लोग अभी तक यहाँ पर अप्लाई कर चुके हैं, वो सारा लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हो। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप झारखंड से हो तो मैंने झारखंड से रिलेटेड आप कैसे विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन या फिर विकलांग पेंशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, जिसके बाद आप कैसे उस विकलांग पेंशन या फिर किसी भी पेंशन के बेनिफिट्स को पा सकते हो, इस टॉपिक पर मैंने संपूर्ण वीडियो बनाया हुआ है। यदि आपको वह वीडियो देखना है कि कैसे अप्लाई किया जाता है, कैसे उसके बेनिफिट्स को पाया जाता है, तो सिंपली आप हमारे चैनल पर आओगे। आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो, तीनों को मिक्स करके मैंने एक वीडियो बनाया। यदि आपको पर्सनली वीडियो चाहिए तो आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि विकलांग पेंशन कैसे अप्लाई करें, विधवा पेंशन कैसे अप्लाई करें, वृद्धावस्था पेंशन कैसे अप्लाई करें, सभी वीडियो आपको संपूर्ण डिटेल में यहाँ पर मिल जाएगा। यदि आपको पेंशन लेना है तो आप यहाँ से भी ऑनलाइन तौर पर अप्लाई करके बेनिफिट्स को पा सकते हो। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि पेंशन लिस्ट को हम यहाँ पर कैसे चेक कर सकते हो। तो इसके लिए आप इसी वेबसाइट पर आओगे, ऑप्शन को मिलेगा रिपोर्ट का, सिंपल इस बटन पर क्लिक करोगे, देन आपको फर्स्ट में लिस्ट ऑफ रिपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा, थर्ड ऑप्शन आपको स्टेट डैशबोर्ड करके मिल जाएगा। सिंपली इस बटन पे आप क्लिक करोगे, देन आपको इस प्रकार का स्टेट डैशबोर्ड खुल जाता है। यहाँ पर अपने स्टेट को सेलेक्ट करना है, आप चाहे किसी भी स्टेट से हो, आपको ऑल ओवर इंडिया के स्टेट्स के नेम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जहाँ से आसानी से आप अपने लिस्ट को चेक कर सकते हो। तो चलिए, मैं यहाँ झारखंड से हूँ तो मैं यहाँ स्टेट में झारखंड को सेलेक्ट कर लेता हूँ। जिसके बाद स्कीम में आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, आप किस पेंशन लिस्ट के लिए चेक करना चाहते हो। आपको यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ रहता है इंपॉर्टेंट कौन कौन से है, जैसे कि आपको विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन या फिर वृद्धाजन पेंशन, या फिर अगर आप फैमिली बेनिफिट्स पेंशन लेना चाहते हो, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि आप यहां पर किस किस ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे। जैसे कि आप देख सकते हो IGNOAPS मतलब होता है इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन, IGNDPS मतलब होता है इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम, देन आप यहां पर देख सकते हो IGNWPS तो इंदिरा गांधी नेशनल विडवा पेंशन स्कीम। आपको किसी भी इस पेंशन लिस्ट स्कीम को चेक करना है तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करके कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, हम यहां पर देख लेते हैं कि आप कैसे स्कीम को चेक करोगे। तो स्कीम में आपको जिस भी स्कीम लिस्ट को चेक करना है तो आप यहां पर सेलेक्ट कर लोगे। जैसे कि मैं यहां पर ऑल्ड एज पेंशन को सेलेक्ट कर लेता हूं, जिसके बाद आपको ये कैप्चा दिख रहा है एज इट इज, आपको यहां पर फिल करना है आप जिस भी पेंशन लिस्ट को चेक करना चाहते हो। देन सबमिट के बटन पर क्लिक करोगे तो आप नीचे में आओगे तो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा कि झारखंड स्टेट में कितने लोग ओल्ड एज पेंशन का बेनिफिट्स ले रहे हैं, कितने लोग अभी एक्टिव है एंड कितने लोगों को यहां पर पैसा डिलीवर किया जा चुका है पर मंथ के हिसाब से। आप यहां पर सारी डिटेल को देख सकते हो। अपने लिस्ट को चेक करने के लिए सबसे नीचे आओगे तो आपको सबसे पहले यहां पर अपने डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करना है, जिस भी से हो आप एंड जिस भी से आपने अप्लाई किया था पेंशन लिस्ट के लिए, सबसे पहले आप यहां पर उस स्टेट के नेम को सेलेक्ट करोगे। जैसे कि मैं धनबाद से हूं तो यहां धनबाद के नेम पर आप क्लिक करोगे तो देन नेक्स्ट पेज आपको खुल करके इस प्रकार से आ जाएगा। आप थोड़ी देर वेट करोगे, देन आप यहां पर देख सकते हो धनबाद हमारा सेलेक्टेड हो चुका है। अब आपको यहां पर सब डिस्ट्रिक्ट यानी म्यूनसिपलिटी एरिया को सेलेक्ट करना है। आपको उस स्टेट का जितना भी म्यूनसिपलिटी एरिया होंगे उस डिस्ट्रिक्ट के, सभी आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। यहां से आप अपने म्यूनसिपलिटी एरिया को सेलेक्ट करोगे तो चलिए जो भी म्यूनसिपलिटी एरिया
होगी, वहाँ पे आप देख सकते हो कितने बेनिफिट्स हैं, कितने लोगों के बैंक अकाउंट यहाँ पर ऐड है। देन आप यहाँ पर देख सकते हो आधार कार्ड कितने लोगों के ऐड है, वेरीफाइड कितने लोगों ने करा चुका है, जितने लोगों ने PFMS पे रजिस्टर किया हुआ है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर सबसे पहले आप अपने म्यूनसिपलिटी एरिया को सेलेक्ट करोगे, जो भी आपका म्यूनसिपलिटी एरिया होगा उसके नेम पर आप इस प्रकार से क्लिक करोगे। देन आपको नेक्स्ट प्रकार का पेज इस प्रकार से खुल जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हो आपका म्यूनसिपलिटी एरिया भी ओपन हो चुका है। अब आपको यहाँ पर अपने ग्राम पंचायत या फिर वार्ड के एरिया को सेलेक्ट करना है। यहाँ पर उस म्यूनसिपलिटी एरिया में जितने भी वार्ड या फिर पंचायत है सारे नेम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। यहीं पर आकर के आप अपने उस वार्ड या फिर पंचायत के नेम को सेलेक्ट करोगे। जैसे कि मैं यहाँ पर देख सकते हो झरिया को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन आपको म्यूनसिपलिटी एरिया के बाद आप यहाँ पर जब आपने वार्ड को सेलेक्ट करोगे, देन आपका जितना भी नेम है उस एरिया का, जितना भी पर्सन इस पेंशन के लिए अप्लाई किए हुए हैं, तो उनके लिस्ट में यदि नाम आ जाता है तो आप यहाँ पर देख सकते हो। सबसे पहले तो आप उसके ऑर्डर नंबर को देख सकते हो, जिस भी पर्सन के द्वारा जो भी बेनिफिट्स ले रहा है वो आप यहाँ पर उनके नाम को देख सकते हो। यहीं से आप अपने नेम के लिस्ट को चेक करोगे, फादर नेम या फिर हस्बैंड नेम यहाँ से मैच करोगे। देन आप यहाँ पर जेंडर एंड उनके एज को देख सकते हो। आप यहाँ पर देख सकते हो कौन से स्कीम का लाभ ले रहे हैं, मोबाइल नंबर क्या है, FSC कोड क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एंड आप यहाँ पर देख सकते हो PMFF पर रजिस्ट्रेशन किया हुआ है या नहीं है। आप नीचे आओगे तो देख सकते हो PFMS पे बहुत लोगों ने रजिस्टर भी किया हुआ है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको अपने नेम कुछ सेलेक्ट कर लेना, अपने नेम को देख लेना कि आपके लिस्ट में आपका नाम आया है या नहीं आया है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो, एज अ एग्जांपल हम मान लेते हैं कि आप यहाँ पर एक नाम को सेलेक्ट करते हो, जैसे कि आपका यह नेम आपका ही है जिसका लिस्ट आप चेक करना चाहते हो। तो आप यहाँ पर क्लिक करके इसके सारे डिटेल को भी देख सकते हो, जिसके लिए आपको यहाँ ऑर्डर नंबर वाले बटन पर ही क्लिक करना होगा। तो इस पर्सन से जुड़ी जो भी डिटेल होंगी वो आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि एप्लीकेंट का क्या नेम है जो बेनिफिट्स ले रहे हैं, देन उनका स्टेटस क्या है, वो एक्टिव है या नहीं है, उनका नंबर क्या है, देन उनके फादर या फिर हस्बैंड नेम क्या है, एंड उनका जो भी आपका प्रीमियम है वो सारा डिटेल आप यहां पर आकर के देख सकते हो। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप यहां पर अपने नेम को लिस्ट को चेक कर लोगे। तो दोस्तों अगर यदि आपका नेम का लिस्ट यहाँ पर शो होता है बट आपको पेंशन नहीं मिल रहा है, तो आप यहाँ पर प्रिंट के बटन पर क्लिक करके आप सिंपल इस पेज को प्रिंट कर लोगे। देन आपको अपने ब्लॉक में जा करके इस प्रिंट पेपर को देना है, देन आपका जो है पेंशन स्टार्ट हो जाता है। जनरली यहाँ पर नाम आने के बाद पेंशन मिलना भी स्टार्ट हो जाता है। तो सिंपल यदि आपको इस पेज को प्रिंट करना है तो आप यहाँ पर इस पेज को प्रिंट कर लोगे। आप यहाँ पर देख पाओ कि आपको पूरा पेज यहाँ से प्रिंट नहीं होता, जो भी आपका नेम है सिंपली वहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके उसी पेज को आप यहाँ पर प्रिंट कर सकते हो। प्रिंट के लिए आप यहां पर प्रिंट पे बटन पर क्लिक करने के बाद आप यहां पर अपने सेव या फिर प्रिंट कर सकते हो। देन आप यहां पर देख सकते हो दोस्तों यहां पर आपका पेज यहां से आप प्रिंट कर सकते हो। तो यही प्रोसेस था जहां से आप आसानी से अपने लिस्ट को चेक कर सकते हो। आप चाहो तो यहां पर क्लिक करके पूरे पेज को हो सकता है तो यहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिल गई होगी कि आप पेंशन लिस्ट कैसे यहां पर चेक कर सकते हो ऑनलाइन तौर पे घर बैठे ही। तो चलिए आज तक के लिए इतना, मिलते हैं आपसे किसी और टॉपिक को लेकर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।